बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे बच्चे जिनको ज़्यादा चोटें आई हैं, और कुछ बच्चों के तो स्टिच कम से कम तीन तीन चार चार स्टिच लगे हुए हैं, और स्कूल से आते हुए जो तीन तीन चार चार साल के बच्चे हैं उन्हें भी चोटें आई हैं। तो इसमें विभाग से हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उन पर एक्शन लें, उनको पकड़ लें, ताकि बाजार में खुलेआम चलना, जो डर रहे हैं सारे बच्चे उनको चलने में कुछ फ़ायदा मिल सके। ठाकुर और मेरे कुलीग एक रिटायर्ड ब्रिगेड सुपरिटेंडेंट है, मेरे कुलीग अनिल कुमार जी, जैसे हम किसी पेशेंट को देख के हॉस्पिटल गेट के बाहर पहुँचे तो एक पागल कुत्ता ब्राउन कलर का सीधे उनके मुंह के ऊपर झपटा और पूरा ओंट का जो है पीस काट के ले गया, और कम से कम 16 सारा केस जो है मेरे सामने यहाँ पे डॉग वाइट के आए। तो मैं नगर निगम नगर परिषद चंबा से निवेदन करना चाहूँगा कि स्ट्रिक्ट एक्शन जो है, या कुत्तों को मार दे या कुछ करे, ये स्कूल के बच्चे में जो अभिभावक भावुक हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों को लेने खुद जाएँ, वो खुद जाएँ, अदरवाइज भी कुछ भी हो सकता है। तीन चार तो मेरे सामने बच्चे आए जिनको डॉग वाइट हुआ। क्या हुआ? कुत्ते ने काटा जी बाजार में। कहाँ पे? बाजार में ऊपर यहाँ पर। क्या कर रहे थे? मैं 100 जा रहा था ना कुली के पास, मैंने तो पता नहीं रहा, कुत्ता दौड़ गया तो मुझे सीधे काट गया। और कितने लोग हैं अभी? ये बोल रहे हैं ना पीछे, कोई 25 बंदे काटे, मुंह कट गया, बच्चे थे। आज दोपहर में कुछ डॉग बाइट के केस आए हैं जो 10 के 11 के बीच में हैं, जिसमें बच्चे भी हैं और थोड़े एडल्ट्स भी हैं। कुछ को माइनर इंजरीज हैं और कुछ को जो है वो थोड़ी सीरियस इंजरीज हैं, और उसमें ज़्यादातर लोगों को वैसे घर भेज दिया गया है, और कुछ जो है वो उनको स्टिचिंग और थोड़ा सा जो उनका फर्दर ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। उसका एक डेफिनेट शेड्यूल होता है, उसमें 5 से 6 तक जो है वो बूस्टर के साथ इंजेक्शन लगते हैं, वो सब हमारे पास अवेलेबल हैं और लग रहे हैं।